साथियों, देश के नागरिकों पर भरोसा हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है। ये भरोसा हमारी नीतियों में भी साफ दिखता है और बजट में भी साफ दिख रहा है। अब अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है, कोई कंप्यूटर एरर हो जाता है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो वो 2 साल के भीतर भी सरकार में जाकर के कह सकता है कि मेरी ये गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो बिना लाग लपेट के वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह पहले अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी होती थी, हमारे देश में कंपनी बंद करने में भी मेहनत होती है, 2-2, 4-4 साल लग जाते थे। हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है तो वो 2 साल से समय घटा करके 6 महीने के भीतर भीतर कर दिया गया है। सरमार्ग में जहां जहां भी परमिशन लेनी हो 6 महीने के भीतर कर देनी होगी। इस महामारी के समय भी हमारी सरकार ने छोटे उद्यमियों की लोन की गारंटी खुद ली। यह भी हमारे भरोसे को दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योगकार व्यापारियों पर और इसलिए सरकार ने गारंटी ली। अब इस बजट में इस योजना को, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने, हमारे उद्योगकारों ने सकारात्मक रिस्पांस दिया और इसके कारण उसका सही अनुभव देखते हुए उसको और मजबूत किया गया है और उसको विस्तार भी दिया गया है। इन 7 सालों में हमने 25,000 गैर जरूरी, ये समझने जैसा है, 25,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को खत्म किया है। यानी आए दिन ये जानकारी लाओ, ये फॉर्म भरो, फलाना नाम लाओ, डिग्री सर्टिफिकेट लाओ, हर बार सरकार लोगों से मांगती रहती थी। 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे भी खोजे बिना कारण जनता को कहां कहां तकलीफ हो रही है, हटाओ इन चीजों को। इतना ही नहीं, भारत की संसद में करीब करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 अभियान भी शुरू करने जा रही है।